ऑब्जेक्टिव शीट फोर में क्वेश्चन नंबर वन, ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग ये रही इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी क्योंकि यूनिफॉर्म है, इक्वेशन कौन सी अप्लाई करेंगे? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस, नहीं एस इज इक्वल टू, फिर क्यों यार मेरी बातों में आ रहे हो, एस इज इक्वल टू वी टी। यार 100 बार की एक ही बात बोल रखा है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है एस इज इक्वल टू वी टी, किसी की नहीं सुननी, एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, मैं ऐसे कंफ्यूज करता रहूंगा तो आप थोड़ा ध्यान से आंसर देना। ठीक, तो एस इज इक्वल टू वी टी लगेगा, राइट। नेक्स्ट है, फाइंड टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 1 किलोमीटर लॉन्ग। अब कई लोग इसका डिस्टेंस 1000 लेंगे, वो कहेंगे टाइम एस इज इक्वल टू वी टी और एस के अंदर पुट करेंगे 1000 और टाइम निकालना है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको समझने के लिए कि लेंथ क्या लेनी है, मान लो ये ट्रेन है, अब ये ब्रिज पे ऊपर एंटर कर गई, इसका इंजन एंटर कर गया, आपने अपनी घड़ी चालू कर ली, स्टार्ट, ट्रेन चढ़ती जा रही है ब्रिज के ऊपर, चढ़ती जा रही है और टाइम तो चल ही रहा है। अब एक चीज मुझे बताओ कि जब ट्रेन बाहर निकली तो उस केस में आपने टाइम जब स्टार्ट किया था वो कब स्टार्ट किया था, जब इसका इंजन यहां पर था, राइट, ऐसे ही था। फिर ट्रेन पूरी की पूरी इसके ऊपर चढ़ गई, फिर इंजन बाहर निकलेगा, आपने टाइम खत्म नहीं किया अभी, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, ये ट्रेन ऐसे आएगी, जब ऐसे आएगी तो 1000 मीटर इंजन तो ट्रेवल कर चुका, लेकिन ट्रेन पूरी बाहर निकालनी है, पूरी बाहर निकालने का ऐसी सिचुएशन बनेगी 110 मीटर, जब तक आखिरी बोगी बाहर निकलेगी नहीं तब तक आपने वॉच बंद नहीं करनी, तो आखिरी बोगी कब बाहर निकलेगी, जब इंजन पूरा आगे चला जाएगा 110 मीटर, तो तब तक आपकी घड़ी चालू रहेगी। तो टोटल डिस्टेंस इसमें क्या लेंगे, 1000 प्लस 110 भी लेंगे, पूरी ट्रेन को बाहर निकालना है ब्रिज से, इसलिए। ठीक है यहाँ तक। और अगर ट्रेन पतली सी होती, ये पेन जितनी पतली है बस, या पॉइंट होता, तो अब सोचो, या अगर चलो मैं ही हूँ, मैं ब्रिज को क्रॉस करता हूँ, तो ब्रिज पे मैंने पैर रखा तो उसके बाद ब्रिज में बाहर निकल गया, तो अब मेरी लेंथ होना लोगे आप, ट्रेन लंबी है उसको निकलने में टाइम लगेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट को निकलने में टाइम, साइकिल वाले को निकलने में क्या टाइम लगेगा, या मेरे को निकलने में क्या टाइम लगेगा, ट्रेन को लगेगा, ट्रेन लंबी है, तो इसलिए उस केस में तो 1000 ही होगा अगर उसकी विड्थ नहीं गिवन, ट्रेन लंबी है तो इसलिए टोटल डिस्टेंस ये लेंगे, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, 12.5 मीटर पर सेकंड, तो यहां से टाइम टू क्रॉस द ब्रिज आएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल वेलोसिटी, आंसर आएगा 88.8 सेकंड। मेथड क्लियर है यहां तक, क्या करना है इसमें? ठीक, फिर देखते हैं, ये क्वेश्चन 2 नहीं करना क्योंकि ग्रेविटी वाला क्वेश्चन ये नेक्स्ट टाइम दूंगा, नेक्स्ट टाइम करना है अपने क्लास में, और क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं, वाई एक्सिस में 4 भी नहीं, ये कुछ नहीं करना आपने, क्वेश्चन नंबर सीधा आना है 9 पे 9। कितने लोगों ने ये किया और डाउट है, तो ये सब्जेक्टिव शीट की प्रॉब्लम जैसा है कि एक यूनिफॉर्म मोशन है और स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड कितनी है, 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 8 सेकेंड के ऊपर स्पीड कितनी है, 34 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसने बोला ही नहीं जैसे स्टार्ट हुआ, तो यू और ए इमेजिन कर लो, कैलकुलेट डिस्टेंस इन 12th सेकेंड, 12th लगा हुआ है, तो यू प्लस ए बाय 2 × 2 × 12 − 1, राइट, ऐसे ही होगा। तब इस केस में सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, यू एंड ए, तो एक काम करो पहली इक्वेशन इसके साथ बनाओ कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v कितना है 25, u कितना है u, a पता नहीं और टाइम क्या है 5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन जो बनानी है वो इसके लिए बना दो, टोटल जर्नी के लिए, तो स्पीड कितनी है 34, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, a, टाइम कितना है 8, इक्वेशन नंबर 2।
इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकलेगा, यू एंड ए, यू और ए को यहां पुट करके क्या आएगा, एस ट्वेल्थ। क्लियर है यहां तक? पहले यू और ए निकलेगा तभी तो आगे एस ट्वेल्थ के अंदर वैल्यू आएगी। ठीक है यहां तक? मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो इसको करना ट्राई। ठीक है, यू आर ए इक्वेशंस ट्राई करना और एस ट्वेल्थ में माइनस करके, पता नहीं, ट्राई कर रहे हैं, बाद में ट्राई कर लेंगे, इसे कैलकुलेशन चेक कर लेना अपनी। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, कितने लोगों को 10th में डाउट है? ये वही क्वेश्चन है नेक्स्ट 3 सेकंड वाला, S8 - S5, ये वही है S8 - S5 वाला, ये यही वाला सेम क्वेश्चन है, सेम हमने सब्जेक्टिव में किया था कि जैसे 5 सेकंड के बाद नेक्स्ट 3 सेकंड में डिस्टेंस निकालो, तो 8 सेकंड के डिस्टेंस में से 5 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कितने लोगों का हो गया, हो गया? कितनों ने ट्राई किया, नहीं हुआ? कितनों ने ट्राई किया? क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक तो जिन क्वेश्चन में गिवन होता है ना तो बहुत रिलीफ मिलता है, चलो यू जीरो करना है, कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। फिर कह रहा है एक्सेलरेशन भी गिवन है 4 m/s², और भी रिलीफ मिलता है, ए भी निकालना पड़ेगा, यू भी पता है और ए भी पता है। कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ, टोटल पाथ जितना भी है उसका आधा पाथ उसने कब कवर किया, इन लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन। जैसे अगर मान लो यहां से दीवार तक का डिस्टेंस एस है, तो टोटल टाइम टेकन एन है, तो मैं आधा डिस्टेंस पहुंच गया S/2, आधा जो डिस्टेंस है वो मैंने आखिरी 1 सेकेंड में कवर कर लिया, तो आधा कवर किया N-1 में और अगला आधा किया सिर्फ 1 सेकेंड में, राइट? काफी तेज मूव किया होगा इसका मतलब मैं, तो 1 सेकंड में, आखिरी 1 सेकंड में डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, SNth। SNth क्या होता है, डिस्टेंस इन nth सेकंड। तो क्वेश्चन है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, S, आखिरी आधा क्या है, S/2, तो आखिरी आधा S/2 कुछ ऐसे बनाते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है, S, और S/2 एंड S/2, ये आखिरी लास्ट हाफ है, आखिरी आधा डिस्टेंस है, ये आखिरी आधा डिस्टेंस कवर किया जा रहा है इन लास्ट सेकंड ऑफ मोशन, ये गिवन है, सही है, यही गिवन है ना? तो S/2 इज इक्वल टू लास्ट सेकंड ऑफ मोशन का मतलब इन nth सेकंड ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड ऑफ द मोशन, क्योंकि nth सेकंड और लास्ट सेकंड एक ही बात है। अब मुझे पता है कि nth सेकंड के डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s nth से, तो मैंने s nth लिख दिया, तो s nth का मतलब डिस्टेंस इन nth सेकंड किसके इक्वल है, S/2, ऐसी बनाना, S/2 लास्ट सेकंड, S/2 nth सेकंड, S/2 SNth। तो इस क्वेश्चन में
एस बाई टू किसके इक्वल है, एस एनथ के। अब एस एनथ क्या है, जीरो प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ठीक है, टू एन माइनस वन, देयर एन इज द टोटल टाइम टेकन। तो ए की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, शायद फोर पुट कर दिया। एस की वैल्यू क्या होगी, एस समझते हो, एस का मतलब पूरा, पूरी जर्नी। तो एस कैसे निकलेगा, जीरो प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन का स्क्वायर बाय टू, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एस एनथ कैसे निकलेगा, यू प्लस ए बाय टू इंटू टू एन माइनस वन। क्या ये पॉइंट क्लियर है, सॉल्व करो और इसमें कैलकुलेट करो एन क्या आ रहा है। तो देखो इसके अंदर ये रहा एस एनथ एस बाई टू, तो एस एनथ यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, एस की जगह यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर बाई टू, टू से टू कैंसल, तो क्या बचा ए इंटू टू एन माइनस वन, यहाँ से क्या बचा हाफ इंटू ए एन स्क्वायर, ए से ए कैंसल, तो क्वाड्रेटिक बन रही है यार, ये टू एन माइनस वन है और ये एन स्क्वायर बाई टू है, तो एलसीएम लो, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके एन के आंसर मार्क करो। चेक करना एक रूट नेगेटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव ही आ रहा है, एन की वैल्यू क्या आ रही है, अच्छा ठीक है ठीक है, फिर एन की वैल्यू इसमें 3.4 आ रही है और दूसरी 1.1 समथिंग आ रही है, ठीक है, तो एन की दो वैल्यूज आ गई, चलो पॉजिटिव। तो अब इस केस में आपको निकालना क्या है, आपको तो एस निकालना है। अब एस किसके इक्वल है, जीरो प्लस हाफ इंटू ए एन स्क्वायर, एक्सेलरेशन गिवन है, n की वैल्यू पुट करो 3.4, n की वैल्यू पुट करो 1. समथिंग, दोनों पुट करके देखो और दोनों में से एक आंसर सही मिलेगा, दूसरा आंसर सही नहीं मिलेगा। आपको क्या, अगर दोनों सही होते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सिंगल चॉइस में एक ही सही डाला जाता है, दो नहीं डाले जाते, तो पहले एक चेक करो फिर दूसरा चेक करो, s की वैल्यू को मार्क करो। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है, ठीक है। ठीक है यहां तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, बढ़िया क्वेश्चन है, कितने लोगों का हो गया, कितने ने ट्राई किया, किया पर हुआ नहीं, अच्छा अभी देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, पर्सन इज रनिंग एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3 meters per second, ठीक है, एक बंदा भाग रहा है 3 meters per second अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्रेन,
to catch the hold of the door compartment which is 2.5 meter from the door. तो ये क्वेश्चन है शाहरुख खान का. शाहरुख खान ट्रेन पकड़ेगा, 2.5 meter दूर है ट्रेन और वो भाग रहा है एट अ स्पीड ऑफ 3 meter per second. ठीक. और द ट्रेन स्ट्रीम्स ऑफ विद एक्सेलेरेशन ऑफ 1 meter per second square. अब फिल्मी सीन तो बनेगा. ट्रेन पहले रेस्ट पे थी 2.5 meter पे, वो 3 के साथ आ रहा है, ट्रेन चल पड़ी. अब चलती ट्रेन को पकड़ेगा, तो क्वेश्चन क्या है, कितने टाइम पे ट्रेन को पकड़ेगा. आखिरी डिब्बा पकड़ ले, ये बहुत बड़ी बात है, बीच में तो छोड़ ही दो, पर टच ही करना है ट्रेन को तो भी बात बन जाएगी. ठीक. तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज अगर हम ऐसे बनाएं कि सपोज सिचुएशन ऐसी बनेगी, देखो ये ट्रेन है, ठीक, और ये वो पर्सन है. ठीक है, ये जो पर्सन है इसकी दूरी यहां से कितनी है, 2.5 है, ये 2.5 मीटर्स है और ये भाग रहा है विद अ स्पीड ऑफ 3 meters per second विद अ कांस्टेंट. देखो जोर लगा के भाग रहा है, इससे तेज भाग नहीं सकता, स्लो भागेगा नहीं, तो 3 कांस्टेंट स्पीड से भागता हुआ आ रहा है. जैसे डिस्टेंस भागते हुए 2.5 meter रह गया, ट्रेन चल पड़ी. तो ट्रेन इनिशियली किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट, और एक्सेलरेट करती है 1 meter per second का square. अब जितनी देर में ये यहां पहुंचेगा उतनी देर में ट्रेन आगे जा चुकी होगी. तो यानी कि यहां तो कैच नहीं करेगा, कैच करेगा तो आगे करेगा. ठीक हो गया. तो कहां करेगा, लेट अस सपोज ये लो, ये ट्रेन यहां कैच करेगा. ये तो इस केस में जब ये चला था, है ना, जब ये चला था तो यहां से लेके यहां तक ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, सपोज एक्स. ट्रेन तो कुछ चली, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स. ठीक. तो पहले सिचुएशन ये थी, जब 2.5 meter डिस्टेंस रह गया तो ट्रेन चल पड़ी, तो ट्रेन कितना आगे चली गई, एक्स. तो मैन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2.5 meter plus x. मैन को तो 2.5 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, जितनी दूर ट्रेन चलेगी वो भी करना पड़ा, कोई डाउट इसमें. ठीक है. अब एक बात बताओ कि आपको टाइम बताना है, तो आप पूरी सिचुएशन देख रहे थे, जब ये मैन यहां पर था आपने उसी टाइम स्टॉप वॉच ऑन कर ली, स्टार्ट, तो आपने देखा कि मैन ने ट्रेन को यहां पकड़ लिया, तो मैन ने टी टाइम में, मान लो टी टाइम में कैच कर ली ट्रेन, मैन ने टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2.5 plus x, और ट्रेन ने टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, सिर्फ x. टाइम टेकन दोनों का एग्जैक्टली सेम. राइट, क्लियर है. तो अगर मैं इक्वेशन इस मैन की लगाता हूं तो इक्वेशन क्या लगेगी, s = vt, क्योंकि वेलोसिटी मैन की क्या है, कांस्टेंट. तो s मैन का कितना है, 2.5 plus x is equal to 3 into t, फर्स्ट इक्वेशन. और अगर मैं इक्वेशन किसके लिए लगाता हूं, ट्रेन के लिए लगाता हूं, s = ut + ½ at², तो x = 0 ½ 1 into t². ठीक. तो आप एक काम करो, इस x की वैल्यू को उठा के यहां पुट करो, t में क्वाड्रेटिक बनेगी, t के रूट सॉल्व करो, आंसर निकालो क्या होगा. टाइम निकालना है.
तो देखो इसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है क्वाड्रेटिक सॉल्व करके 1 और 5 आ रहा है। दो दो टाइम में कैसे कैच कर लेगा ये क्या बात बनी? देखो शाहरुख खान चढ़ गया ट्रेन पे यार, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। मतलब 1 सेकंड पे भी चढ़ सकता है और 5 सेकंड पे भी चढ़ सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रेन धीरे है क्योंकि जो मैन है वो 3 के साथ भागता जा रहा है, ट्रेन अभी रेस्ट से चली थी तो ट्रेन की स्पीड अभी 1 ही है, 2, 3, 4 टाइम लगाएगी तो उसके पास चांस है। 1 सेकंड में ट्रेन के पास पहुंच गया, चढ़ गया, चढ़ गया, नहीं चढ़ा तो आगे भाग जाएगा ट्रेन से, फिर ट्रेन एक्सलरेट कर रही है, ट्रेन उसे ओवरटेक करेगी, 5 सेकंड के बाद दूसरा चांस है, चढ़ गया, चढ़ गया, ट्रेन छूट गई। अब हम आंसर हम तो चढ़ा के छोड़ेंगे ना, हम 5 सेकंड का आंसर क्यों आंसर देंगे, हम तो 1 सेकंड बोल देंगे, 1 सेकंड छोटा आंसर है। पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको 1 सेकंड का ऑप्शन अगर गिवन है तो ठीक है, 5 गिवन ही नहीं है तो एक आंसर आ गया, उसे आंसर ही 1 दिया ना। पर अगर 1 और 5 हो तो मैं 1 ऑप्शन मार्क कर सकता हूँ, वैसे 1, 5 दोनों आंसर सही है पर 1 सेकंड छोटा आंसर मार्क करेंगे, पर वैसे बनाने वाला समझदार है वो 1 ही देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे सोचना है इसे? ठीक। क्वेश्चन नंबर 13th, कितने लोगों का आंसर आ गया 13th? आ गया। क्या आपने इसमें कैलकुलस यूज किया? किया, ध्यान से पढ़ो, फिर नहीं यूज किया तो करना पड़ेगा। देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशन इज गिवन बाय। अब कोई कहेगा सर ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ये तो टाइम है, तो तुम आंसर 0 है, ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट समझो। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है, टाइम गिवन है, तो आपको रूट एक्स को एक साइड लेके आके स्क्वेयरिंग करके पहले एक्स निकालना पड़ेगा, चलो वो भी निकल जाएगा। कह रहे फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो क्या निकालना है? एक्स निकालना है। कब? जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? 0। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे को वेलोसिटी तो पता ही नहीं क्या है, तो एक काम करेंगे पहले टी को ऐसे लिखेंगे, रूट एक्स को एक तरफ लिखेंगे और फिर स्क्वेयरिंग करेंगे, तो एक्स का फॉर्मूला निकाल लेंगे, एक्स आ गया। ठीक है, अब एक काम करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसने कहा वेलोसिटी 0, पहले वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकलेगी? dx/dt। x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर नीचे t-3 की 1 पावर कम, और पावर पे हाथ रखेंगे तो d/dt ऑफ क्या आएगा? t-3। d/dt ऑफ फर्स्ट टर्म 1 है, d/dt ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0, dt/dt तो 1 ही है, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी, v की वैल्यू आ गई। अब उसने कहा v x निकाल लो, जब v 0 है, एक काम करो v को 0 पुट कर दो, v जब 0 पुट करोगे, v को जब 0 पुट करोगे तो टाइम क्या आएगा? 3। तो 3 सेकंड पर वेलोसिटी 0 है, पर आपको तो x निकालना है, तो एक काम करो x के फॉर्मूले में टाइम को क्या पुट कर दो? 3, 3-3 इज 0, आंसर इज 0। कोई कहता है ये तो ये करने की जरूरत क्या है, अगर वेलोसिटी 0 तो x भी 0 है, सीधे मार्क कर दो। नहीं करना, क्योंकि पता नहीं कल को कैसा फॉर्मूला देगा आपको ये, तो हो सकता है आंसर 0 ना भी आए, तो आपको कैलकुलस करके ही सॉल्व करना है, मैथमेटिकली आंसर को निकालना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे करना है इसे? ठीक। इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ना, कितनों का हो गया?
देखो क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स हैविंग स्पीड, स्पीड है स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आर आर हेडेड एट ईच अदर ऑन द सेम ट्रैक. तो दो ट्रेन आ रही है 30 किलोमीटर पर आर, जैसे इनके बीच में, और अ बर्ड हु कैन फ्लाई 60 किलोमीटर पर आर फ्लाइज ऑफ वन ट्रेन व्हेन दे आर 60 किलोमीटर अपार्ट. तो क्या करता है ये जो बर्ड है ना, जैसे ट्रेन्स के बीच में दूरी 60 किलोमीटर है, ये बर्ड एक ट्रेन से उड़ना शुरू करता है, दूसरी ट्रेन तक जाता है, फिर पहली तक, दूसरी तक, पहली तक, दूसरी तक, पहली तक, दूसरी तक, जब तक ट्रेन्स एक दूसरे को टच नहीं करती उड़ता जाता है. बताओ बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. ठीक, अब मुझे क्या था कितने चक्कर काटे उसमें यार, मैं कैसे पंछियों का डिस्टेंस निकालूंगा. निकाल सकते हो, जब तक ट्रेन आपस में मिल नहीं जाती तब तक बर्ड उड़ेगा. एक काम करते हैं, पहले उड़ने का टाइम निकाल लेते हैं. बर्ड के उड़ने का टाइम वो है, ट्रेन्स के मिलने का टाइम जो होगा. ट्रेन्स के मिलने का टाइम क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने मिलके कितना कवर करना है, 60. और अगर दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स ऑपोजिट आ रही हैं, हेड ऑन आ रही हैं, तो आज शॉर्टकट क्या किया था, वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, ऐड. आज किया था हमने सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्ट, ऑपोजिट में ऐड, तो टाइम आ गया सॉल्व करने का 1 आवर. तो ये ट्रेन्स एक घंटे में मिलेंगे, तो वो बर्ड कितने टाइम के लिए उड़ेगा, 1 आवर, एक घंटा उड़ता रहेगा. तो बर्ड की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो बर्ड के लिए अप्लाई करेंगे s इज इक्वल टू vt. तो s वेलोसिटी तो पता ही है बर्ड की कितनी है, और एक घंटे तक उड़ेगा, आंसर 60 किलोमीटर आंसर आ गया. ठीक है, पॉइंट क्लियर है यहां तक. तो ऑब्जेक्टिव शीट चेक करना, शायद फोर्थ शीट आपको दी हुई है, ये 5 नहीं 4 है. ऑब्जेक्टिव शीट 4 जो हमने की हुई है, ये उस दिन हमने की थी, ये क्वेश्चन किया था हमने, ये सारे क्वेश्चन किए हुए हैं हमने एवरेज वेलोसिटी के, ये सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं. ये भी किया हुआ है काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, ये नहीं किया. ये वाला क्वेश्चन, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यू इज इक्वल टू 0. वॉट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी ड्यूरिंग फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड. तो एस फोर्थ एंड एस थर्ड की रेशियो निकालनी है. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 प्लस ए बाई टू इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1, 0 प्लस ए बाई टू इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1. तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसल आंसर आएगा. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि बस कुछ नहीं है, रेशियो निकालनी है एस ऑफ फोर्थ की, एस ऑफ थर्ड की. तो सिंपल क्वेश्चन है ये, आप ये क्वेश्चन करना प्लीज, इसका आंसर क्या होगा चेक करना. फोर्थ नंबर शीट है, करो ये मार्क करो, करेक्ट आंसर क्या होगा चेक करो. देखो कितने लोगों का आंसर आया इसमें, देखो अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब u इज इक्वल टू 0. इफ इट ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ s1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में s1
और अगले 10 सेकंड में S2, आपको रेशियो निकालना है S2 S1 का। तो रूल नंबर वन, अगर मैं S1 की वैल्यू पूछूं तो आप इस पार्ट ऑफ जर्नी पे लगाओगे S1 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 10 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। S इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर कई लोग कहेंगे कि इस पे भी लगाओ S2 निकालने के, तो S2 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं यहां पे लगाता हूं तो U क्या लूंगा, अगर मैं इस पोर्शन पे S इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाता हूं तो इसके लिए U क्या लूंगा, पता नहीं, क्योंकि यहां पर मुझे U नहीं पता। उससे बेटर ये नहीं है अगर मैं फिर से पूरी जर्नी ले लूं, कंप्लीट जर्नी लेता हूं S1 प्लस S2 की, तो टोटल जर्नी में S1 प्लस S2 इज जीरो, क्योंकि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो प्लस हाफ इंटू ए इंटू टाइम को पुट कर दूंगा 10 प्लस 10 20 का स्क्वायर, ठीक है यहां तक। तो एक बार इसके लिए, एक बार कंप्लीट के लिए, इक्वेशन नंबर वन एंड टू आ गई, कुछ नहीं करना, टू इक्वेशन को वन से डिवाइड कर दो, वैसे तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर आएगा, डिवाइड बेस्ट ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि डिवाइड करने से ए क्या हो जाएगा, कैंसल। तो कैंसल होने पे S1 by S1 वन है, S2 by S1, और ये रेशियो क्या आएगी, 4, तो S2 by S1 क्या आएगा, 3, S2 is 3 into S1, ठीक है यहां तक, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो पहले S1 निकाल लो, फिर S1 plus S2 निकाल लो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो। कोई कहता कैसे पता लगेगा 2 को 1 से डिवाइड करना है, 1 को 2 से, तुम 1 से 2 कर लो, कोई बात नहीं, फिर उल्टी रेसिप्रोकल रेशियो आ जाएगी, उसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको। मैंने जान के 2 को 1 से किया था कि S1 plus S2 ऊपर रहे और S1 से S1 कट के S2 by S1 आ जाए, वो आपकी कैलकुलेशन है जो आप करोगे। मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है, ठीक है। ये नहीं करना, ये हमने कर लिया था, ये भी नहीं करना, ग्रेविटी का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम करना है।